93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवार्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ। मेरा नाम जगदीश है, पेशे से इंजीनियर हूं। सरकारी नौकरी है और कभी ना रिश्वत ली और ना ही कभी कुछ गलत किया। जिंदगी भी बेहद खूबसूरत थी। एक प्यार करने वाली बहुत ही अच्छी सी बीवी थी शुभांगी, और एक मेरी बेटी तमन्ना। बड़े मत्थे टेके थे, बहुत मन्नतें मांगी थी, तब कहीं जाके ये फूल हमारे आंगन में खिलाया था भगवान ने। बता नहीं सकता कैसा पल था वो, जब पहली बार उस फूल को अपने अपने हाथों में लिया था मैंने। जल्दी मैं रोता नहीं, लेकिन उस पल आंसू छलक आए थे। लेकिन सब कुछ हमेशा इतना खूबसूरत और आसान कहां होता है। कहते हैं कि मां का दूध बच्चे की हड्डियों और दिमाग के बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन तमन्ना जब 4 महीने की थी तो शुभांगी जब जब तमन्ना को दूध पिलाती तब तब उसके पूरे बदन में गहरे नीले जख्मों जैसे दाग बन जाते, बेहद दर्द होता और लाल लाल पूरे रैशेस भर जाते शरीर में। बड़ी मुसीबत बन गया था ये हमारे लिए, बच्ची के लिए। कुछ दिन तो शुभांगी दर्द झेल गई, लेकिन फिर जब बात और दर्द दोनों हद से ज्यादा बढ़ गए तो शुभांगी ने मुझे बताया। मैं तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट्स वगैरह किए, लेकिन कोई भी दिक्कत या बीमारी समझ नहीं आई, और ऊपर से दिक्कत भी नहीं गई, बल्कि रह रहे के कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत होती। एक रात की बात है, हम लोग दोनों सो रहे थे, तमन्ना अपने पालने में थी, बगल में पलंग पे उसके पास शुभांगी और फिर मैं। शुभांगी को नींद में एक आवाज सुनाई दी। पहले तो नींद में समझ ठीक से नहीं आया, लेकिन जैसे ही शुभांगी को समझ आया कि ये पालने की आवाज है तो झट से उठ के बैठी, और अंधेरे में भी बाहर से आती हल्की सी रोशनी में उसने साफ साफ देखा कि पालना हिल रहा था, जैसे कोई बकायदा तमन्ना को झुला रहा हो। लेकिन लाइट ऑन करते ही शुभांगी ने देखा पालना ज्यों का त्यों था और तमन्ना उसमें नहीं थी। शुभांगी एक पल को ठिठक के रह गई कि ठीक तभी तमन्ना के रोने की आवाज सुनके वो पलटी तो देखा, तमन्ना पालने पर नहीं पलंग पे दोनों के बीच लेटी हुई थी। शुभांगी मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैंने क्यों तमन्ना को पालने से उठा के हमारे बीच में सुलाया है। नींद में अगर उसे हाथ पैर लग जाता तो इतनी सी बच्ची को रात बिरात कहां ले जाते। पर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो सोच रहा था कि उसने कोई बुरा सपना देखा, तो शायद तमन्ना को अपने पास लेकर बैठी हो वो। थोड़ी देर हम दोनों के बीच में ही बहस हुई, फिर तमन्ना को वापस पालने में सुला के हम दोनों भी लेट गए। मैं तो तुरंत ही सो गया था, लेकिन शुभांगी ने लेटे लेटे एक आवाज सुनी। दरवाजा तो हमने बंद किया था सोने से पहले, फिर अचानक ये दरवाजा खुला कैसे। शुभांगी ने देखने के लिए लाइट जलाई तो देखा दरवाजा तो बंद पड़ा था। इसे अपना वहम समझ के शुभांगी लेट गई, और उसे कुछ ही देर में नींद आई, जब उसकी नींद एक बार फिर एक और आवाज से टूटी।
शुभांगी बिल्कुल बुरी तरह से घबरा गई थी। तमन्ना को सीने से लगाए हुए सारी रात बैठी रही। ठीक से सोना तो दूर की बात थी, उस रात पलके भी नहीं चपकाई होंगी ठीक से उसने। एक आध बार लेटी भी तो नजर सोती हुई तमन्ना पे ही रही और रह रह के इधर उधर पूरा कमरा देखती रही, कहीं हाथ पैर न लग जाए 4 महीने की बच्ची पे। इसलिए मुझे भी नींद में बार बार इधर उधर हटाती रही। ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें अगले 4 महीने तक लगी रहीं, लेकिन कहीं तो कुछ जरूर बहुत अजीब था। लेकिन कभी ऐसा कुछ भी हुआ नहीं कि जिससे हम लोग बहुत परेशान होते या डरते। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया। तमन्ना 8 महीने की हुई तो मैंने उसके लिए एक वॉकर खरीदा। एक दो दिन में ही छोटी सी बच्ची को उसकी आदत भी हो गई। संडे का दिन था, मैं किचन में शुभांगी की मदद करने में लगा हुआ था। तमन्ना वॉकर पे थी और बाहर के कमरे में अपने झुंझुने से खेल रही थी। शुभांगी खाना बना रही थी और मैं किचन में उसकी मदद करने में मशगूल था, जब अचानक मेरे पैरों से आकर कुछ टकराया। मैंने पलट कर देखा तो मेरे सामने वॉकर में तमन्ना मेरे ठीक पीछे हाथ में झुंझुना लिए अपनी ही भाषा में मुझे पुकार रही थी। मैंने हंस के उसे गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगा। शुभांगी भी हंस रही थी। तमन्ना इतना चल के यहां तक आ गई थी, इसमें मैं तो खुशी से पागल ही हो गया था। मैं उसे गोद में उठाए हुए पुचकारता हुआ प्यार कर रहा था। जब किचन से बाहर निकलकर सोफे पर आकर बैठा तो मेरी नजर किचन के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर 2 इंच की एक ऊंची चौखट बनवाई थी हमने, जिसको लांग कर तमन्ना का वॉकर समेत अपने आप किचन में आना नामुमकिन था। मेरी आंखें कुछ देर उसी किचन की चौखट पे टिकी थी कि फिर तमन्ना की आवाज से ही मेरा ध्यान टूटा और मैं उसके साथ खेलने लगा। अरे बेटा, कैसे चल के आ गए आप पापा के पास? कैसे आए बेटा आप? जो बच्ची कुछ बोल ही नहीं सकती थी, उससे मैं मेरे डर का जवाब मांग रहा था। उसने जवाब दिया भी। मेरे खेलते खेलते ही उसने मेरा मोबाइल निकाल के देखना और उससे खेलना शुरू किया। मैं उसकी गाल खींच रहा था और कह रहा था, अच्छा जी, आप फोन करोगे? क्या बोलोगे आप फोन करके बेटा? बच्ची ने फोन कान से लगाया और उसने साफ साफ कहा, मेरे लिए या शुभांगी के लिए ऐसी रोज की अजीबो गरीब बातें अब थोड़ी डरावनी होती जा रही थी। बात अब मेरे परिवार की सलामती की थी। मैंने तुरंत पंडित जी को बुलाया। वो आए और आते ही पंडित जी ने पूरे घर में घूम घूम कर देखा और उनके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर में सोफे पे बैठकर उन्होंने एक काफी संजीदा आवाज में कहा, एक पूजा आपको करवानी पड़ेगी। 6 घंटे बाद का मुहूर्त है, मैं लिख दे रहा हूं। तुरंत के तुरंत जाइए और सारा सामान लेके आइए। देर करने से सिर्फ नुकसान ही होगा। मैंने बिल्कुल देर नहीं की। मैंने गाड़ी उठाई और तुरंत निकल पड़ा और सारा सामान लेकर ही लौटा।
रह रहे फोन करके शुभांगी से पूछता रहा कि घर पर सब कुछ ठीक है या नहीं। शाम को पंडित जी ने पूजा शुरू की और शुरू करते ही तमन्ना का रोना शुरू हुआ। पंडित जी जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे तमन्ना का रोना बढ़ रहा था। पंडित जी ने कुछ देर में शुभांगी से कहा, बच्ची को दाएं कंधे पे बिठा लीजिए, जब तक पूजा खत्म ना हो ना नीचे उतारिएगा ना कंधा बदलिएगा। इतना कह के पंडित जी वापस पूजा में लग गए और लगातार रोती हुई तमन्ना को शुभांगी अपने कंधे पर बिठाई हुई थी। और शुभांगी को कुछ ही देर में एहसास होने लगा जैसे उसके दाएं कंधे पर तमन्ना थी लेकिन बाएं कंधे पर जो कि खाली था उस पे कुछ गीला गीला गिर रहा था, बूंद दर बूंद। शुभांगी की कमीज पूजा खत्म होते होते पीठ तक पूरी भीग चुकी थी। पूजा के बाद शुभांगी ने ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो रोते रोते शायद तमन्ना के मुंह से टपकती उसकी लार थी लेकिन वो तो दाएं कंधे पर थी। खैर उस पूजा के बाद अगले कई महीनों तक कुछ नहीं हुआ। तमन्ना भी रह के एकाध कदम चल लेती थी, सब कुछ ठीक था और मैं बहुत खुश था। दिवाली के ठीक कुछ ही दिन पहले की बात थी, घर की रंगाई पुताई करवानी थी और साफ सफाई करते वक्त पुराने बक्सों में से मुझे एक तस्वीर मिली। सारी पुरानी यादें आंखों के सामने ऐसे नाच कर चली गई कि बस आंखों के प्यालों से एक आंसू छलक ही गया और तस्वीर पर गिरा। मैंने अपनी आंख पोंछी और रुमाल निकालकर तस्वीर को पोंछकर वापस बहुत ही भारी मन से उस अलमारी के अंदर ड्रॉअर में रख दिया और अलमारी बंद करके पलटा ही था जब अलमारी का दरवाजा और अंदर का ड्रॉअर एकदम अचानक से ही जोर जोर से खुला और बंद हुआ। चरमराता हुआ एक तरफ का लकड़ी का वो दरवाजा खुलता चला जा रहा था। शुभांगी की चीख सुनाई दी मुझे। मैं दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा तो देखा शुभांगी अपने मुंह पर हाथ रखे आंखों में आंसू लिए बुरी तरह से डरी हुई ड्रेसिंग टेबल को देख रही थी जहां मेरी मुश्किल से चल पाने वाली 1.5 साल की तमन्ना ड्रेसिंग टेबल पर चढ़कर अच्छे से होठों पर लिपस्टिक लगाए आंखों में काजल लगाए बिल्कुल आराम से खड़ी खुद को आईने में दाएं बाएं होते हुए देख रही थी। मैं तुरंत चिल्लाया, शुभांगी घर का सारा सामान तुरंत पैक करो। मैंने कहा तुम घर का सारा सामान पैक करो अभी के अभी। शुभांगी रोती रोती तमन्ना की ओर हाथ बढ़ाने लगी तो मैंने उसे रोक के सामान बांधने का इशारा किया और धीमे धीमे तमन्ना के पास गया और उसे अपनी गोद में उठाया। उसके चेहरे से लिपस्टिक काजल सब पहुंचा। छोटी सी बच्ची जैसे अचानक कुछ गलत हो गया हो। मेरी
स्कूल सी बच्ची अलग अलग आवाजों में वही एक शब्द बोले जा रही थी जो उसे आता था। हम बाहर भागे और गाड़ी में बैठकर निकल पड़े सीधे मेरी माँ के घर। शुभांगी चिल्लाए जा रही थी, पूछे जा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं उसे जवाब देता भी तो क्या, मैं खुद ही जवाब देने के हाल में नहीं था। मां के घर पहुंचने तक बिना रुके बिना थमे तमन्ना वैसे ही हेलो हेलो करती रही। और मां के घर में पैर रखते ही मेरी 1.5 साल की बच्ची तमन्ना बहुत बुरी तरह से रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे रो रोकर अपना गला चीर लेगी। माँ तो हमें अचानक देख के घबरा ही गई और उसे देखा तो शुभांगी भी माँ से लिपट कर रोने लग पड़ी। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और खींच कर अपने पुराने कमरे में ले गया। मेरे और मेरे माँ के तमन्ना के सामने से जाते ही वो वापस वही आवाजें करने लगी। मैं दूसरे कमरे में माँ को ले जाकर सारी बात बताने लगा तो माँ ने एक ही बात कही कि अगर बात इतनी बड़ी है तो शुभांगी का साथ होना भी बहुत जरूरी है। मैंने उसे बुलाया तो कमरे में तमन्ना को गोद में लिए हुए शुभांगी का कदम पड़ते ही तमन्ना एक पल को बिल्कुल चुप हो गई। पूरा कमरा उस छोटी सी बच्ची ने ऐसे देखा जैसे जैसे सालों बाद उस कमरे में आई हो और फिर मेरी ओर देखकर रोने लगी। लेकिन पता नहीं उस बच्चे के रोने में बचपना नहीं था। इस वक्त उसे रोते हुए देखा तो मेरी मां से रहा नहीं गया। मां ने मेरी ओर देखा और इतना कह दिया कि अपनी गलती की माफी अपनों से मांगने में डर कैसा है। हाँ, मेरी ही गलती थी। टप्पू मेरी छोटी बहन उसे 3 साल छोटी थी, मैं 7 साल का और वो 4 साल की थी। वो भी ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ के ऐसी माँ के लिपस्टिक काजल उतनी सी उम्र में एकदम सही से लगा के खुद को शीशे में घंटों देखती थी। घर पे कोई नहीं था जब मैं और मेरी बहन डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे थे। मैंने उसे कहा था कि बिना बीमारी या चोट के मैं इलाज कैसे करूंगा और मैंने एक ब्लेड लेकर अपने बचपने में उसके हाथ की कलाई काट दी और फिर कपड़ा बांध दिया। लेकिन मजाक में खून बहता गया और माँ पापा के आने तक खून इतना बहा मेरी टप्पू को बचा नहीं पाया। मैं रोती रही कि भैया दर्द हो रहा है और मैं खेल खेल में मरा। डॉक्टर अपने उस बचपन की गलती के कारण उस मरीज को बचा नहीं पाया। आज मैं रोता हुआ अपनी तमन्ना को बचाने के लिए उसके सामने रो रहा था। टप्पू सॉरी, टप्पू मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे टप्पू, मेरी बेटी को छोड़ दे टप्पू, ये भी तो तेरी है ना, मत कर ऐसा टप्पू, छोड़ दे इसे टप्पू प्लीज। उस दिन मैंने सबके सामने अपनी गलती का प्रायश्चित किया था। शायद वही कारण है कि मेरी तमन्ना मुझे वापस मिल गई थी।
इसके बाद सिर्फ वो एक दिन कभी नहीं भूल पाया जब मैंने पहली बार तमन्ना के साथ एक तस्वीर खींचकर उसको उसकी फोटो दिखाई तो उसने एक सवाल पूछा था मुझसे कि अगर तस्वीर वाली लड़की वो खुद है तो दीवार पर लगी फोटो में कौन है। मैंने दीवार वाली फोटो को देखा, वहां मेरी उस छोटी सी बहन तप्पू के बचपन की एक तस्वीर लगी थी। मैंने तमन्ना को बताया कि वो मेरी छोटी बहन की तस्वीर है, पर यह सुनकर तमन्ना ने चिल्लाते हुए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जब जब खुद को आईने में देखती है तो वो तो बिल्कुल उस तस्वीर वाली लड़की के जैसी दिखती है। मेरे पास तमन्ना के इस सवाल का न कोई जवाब था, न है और न कभी होगा। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। रेड FM पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।